हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्री फायर के अंदर आ चुका है वही वाला इवेंट जिसके अंदर मिलने वाली है मुर्गे वाली चीज़ें। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, गन की स्किन है, एक्समेट गन की स्किन, और भी चीज़ें हैं। इवेंट ओपन करते हैं। इस इवेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था, चिकी रॉयल इवेंट है। तो ये देख सकते हो गन की स्किन है, और सेकेंड नंबर पर है ये चिकन लेग पीस वाला लूट बॉक्स, और थर्ड नंबर पर है ये ग्रेनेड की स्किन। इसके अंदर भी मुर्गा है और काफ़ी ज़्यादा मस्त स्किन है। तो चलो, कितने डायमंड लगने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखकर इन चीज़ों को निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं, 15 डायमंड के 5 स्पिन करेंगे। और हाँ, एक्समेट गन की स्किन के आप एट्रीब्यूट्स पढ़ सकते हो यहाँ पे साइड में, डबल रेट ऑफ फायर गन वाली गन है। तो चलो फर्स्ट स्पिन करते हैं अपना और देखते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखते कुछ निकलता है या फिर नहीं। वैसे भी फर्स्ट स्पिन में यार कभी नहीं निकलता। और यहाँ पर हम लोग 5 स्पिन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे हम लोग 10 स्पिन। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, लक का कुछ सिस्टम है। एक मिनट, पहले 5 स्पिन पूरे कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये लास्ट 5 स्पिन हो चुके, लक है 50 पर, मतलब शायद 50 स्पिन के बाद गारंटी के साथ निकल सकता है ये आइटम। तो उससे पहले निकल पाएगा या फिर नहीं वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 10 स्पिन कर चुका हूँ मैं और कुछ नहीं निकला। और टोटल स्पिन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कितने स्पिन है, 16 स्पिन हो चुके हैं। फिर से 5 स्पिन करते हैं एक एक करके और देखते हैं कुछ निकल पाता है 50 स्पिन के पहले या फिर नहीं। बाकी 50 स्पिन के बाद तो गारंटी के साथ निकल नहीं है। और यहाँ पर हमारा लास्ट 5 स्पिन हो चुका है। अब करते हैं 10 स्पिन, जिसके बाद हमारा शायद 31 स्पिन कुछ हो जाएगा। और देख सकते हो यहाँ, अरे ये क्या निकला यार, ग्रेनेड की स्किन। ये कौन सी स्किन थी, मैंने देखा नहीं, या फिर ये एक बार चेक करना पड़ेगा ये ग्रेनेड की स्किन कहाँ से निकली। अच्छा, नीचे एक ग्रेनेड की स्किन है, एक मिनट डाउनलोड करके देखता हूँ यार ये कैसी स्किन है। यार इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा मस्त है ऊपर वाले ग्रेनेड से। देखो मैं ऊपर वाला दिखाता हूँ, ये वाले ग्रेनेड से अच्छा नीचे वाला ग्रेनेड लगा। 5 स्पिन करते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे 50 स्पिन करने ही पड़ेंगे हमको, क्योंकि 33 स्पिन हम कर चुके हैं, 50 स्पिन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो फटाफट हाथ चलाते हैं और स्पिन करते हैं। और ये हमारा थर्ड स्पिन। और लेकिन यार ये भी है, 50 स्पिन के बाद उन तीनों में से क्या निकलता है, अगर गन निकल जाए तो मज़ा जाएगा एक बार में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 50 स्पिन के बाद गन निकल रही तो भी ठीक है, पर अगर वो पीछे की चीज़ें निकल गई तो यार फिर से 50 स्पिन करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 48 स्पिन हमारे हो चुके हैं, तो 2 स्पिन और करते हैं सिंगल सिंगल। ये देखो 49, और ये हमारा लास्ट 50 स्पिन, देखते क्या निकलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर हमारा ग्रेनेड निकला यार, गन निकल जाता तो क्या चला जाता, मतलब अब हमें 50 स्पिन और करने पड़ेंगे पूरे। उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है गन निकले, वो जो ये लूट बॉक्स है ये भी निकल सकता है। पर हम लोग फटाफट करेंगे, 10 स्पिन करेंगे 5 बार में, तो पता चल जाएगा डायरेक्ट। तो देखते हैं, ये फर्स्ट स्पिन सीधे 10 बार में हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। ये सेकंड स्पिन, यार इस बार गन निकलना चाहिए क्योंकि वो लूट बॉक्स नहीं निकले तो अच्छा है। बाकी क्योंकि हमें फिर से, समझ रहे हो ना, फिर से 50 स्पिन करने पड़ेंगे। तो ये देखो कितने स्पिन हो चुके हैं हमारे 10 स्पिन के साथ, हमारे 44 स्पिन हो चुके हैं। मतलब अब सिंगल सिंगल करते हैं 50 करने के लिए। 45, 46, 46 ही है ना, एक मिनट, हाँ 46, 47, 48, और ये लास्ट 49, सॉरी 49, अब लास्ट है ये 50। और देखते हैं क्या निकलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, गन निकल जा गन। और गाइस फाइनली हमारी गन निकल चुकी है, मतलब एक बार और हमको 50 स्पिन करने से बच गए हम लोग। वैसे ये तीनों की तीनों चीज़ मेरे मेल बॉक्स पर थी पहले से, पर मैं स्पिन करने के लिए बताई, तो ये जो लूट बॉक्स है वो भी हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं अपने मेल बॉक्स पर जाकर। तो ये देखो यहाँ पर ये है तीनों आइटम, इनको क्लेम करते हैं और एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर भी चेक कर लेते हैं कैसी गन दिखने वाली है।